सुराईकेलाल न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। आज हम रामनगर में बात करेंगे कि रामलीलाओं का दौर शुरू हो चुका है। रामलीलाओं के दौर में अगर हम बात करें तो रामनगर की एक ऐतिहासिक रामलीला है कि जो भवानीगंज क्षेत्र में होती है, आदर्श रामलीला समिति के तत्वाधान में रामलीला का मंचन किया जाता है। और आपको बता दें कि इस वर्ष इस रामलीला को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 50 वर्ष का जो मंचन यहाँ चल रहा है गोल्डन जुबली के रूप में यहाँ समिति द्वारा मनाया जा रहा है, जिसके तहत पुराने कलाकारों ने जिन्होंने करीब 20 से 25 साल पहले अभिनय किए थे, आज वही कलाकार इस रंगमंच पर दोबारा अपने अभिनय के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित कर रहे हैं। और लगातार दर्शकों की जो भीड़ है लगातार यहाँ बढ़ रही है और दर्शकों द्वारा भी लगातार प्रशंसा रामलीला के मंचन की जा रही है। और आप खास तौर पर अगर बात करें तो इस रामलीला का जो एक इतिहास रहा है वो इतिहास यह भी रहा है कि यहाँ जो दृश्य दिखाए जाते हैं ऐतिहासिक दृश्य, अद्भुत दृश्य को अभी यहाँ नज़ारा देखने को जनता को मिलता है। तो हम बातचीत करेंगे इस रामलीला में जो हमारे साथ जो कलाकार हैं, राम से लेकर नायक और खलनायक की भूमिका के अलावा कई लेडीज कलाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का अनुभव कलाकारों को रहा है। तो हम सबसे पहले राम का जो चरित्र है, राम जी की जो भूमिका यहाँ कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि कितने साल बाद उन्होंने फिर से यहाँ अभिनय किया है और कलाकारों को लेकर किस प्रकार का यहाँ जो है, क्योंकि कहा जाता है कि ये रंगमंच जो है एक पाठशाला के रूप में भी यहाँ लोगों को, बच्चों को कला का जो है एक नया रास्ता दिखाती है। और कई बच्चे आज अपनी कला के माध्यम से उत्तराखंड का नाम देश भर के अलग अलग हिस्सों में रोशन कर चुके हैं। तो स्वागत है आपका सुराईकेलाल न्यूज में। और इस बार भवानीगंज की जो रामलीला चल रही है 50वां वर्ष गोल्डन जुबली के रूप में मनाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि पुराने कलाकार जिन्होंने सालों पहले अभिनय किए थे वो पुनः इस बार अभिनय कर रहे हैं, तो किस प्रकार का है? यह है कि इस बार जो है पुराने कलाकार को सबको उतारा गया। कमेटी का सबका निर्णय था कि पुराने कलाकार इस बार 50वें गोल्डन जुबली है, इसलिए 50वां वर्ष मनाने के लिए पुराने कलाकार आने चाहिए। तो मैंने भी इस मंच पर काफ़ी अभिनय किया और मुझे दोबारा मौका मिला और मैं इस बार राम जी की भूमिका निभा रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से। ये तो यहाँ एक पाठशाला है, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, हम नीचे वाली जो पीढ़ी है उसको सिखा रहे हैं। आज हमारे बीच में अभी हमारे एक गुरुदेव अभी हैं श्री आरपी किशोर अग्रवाल जी, उनका भी निर्देशन हमें मिलता रहता है। और रामलीला जो है ये एक, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पाठशाला है, यहाँ सिखाया जाता है और यहाँ के कलाकार ही और जगह की रामलीला में जाकर के अभिनय करते हैं और उन रामलीला को सुशोभित करते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना अभी हमारे साथ अब रावण की भूमिका में यहाँ लगातार जो है कई सालों से अभिनय कर रहे हैं, हम उनसे भी अभी रूबरू होंगे कि सुशील जोशी हैं जो रावण की भूमिका लगातार कर रहे हैं। स्वागत है आपका, किस प्रकार का अभिनय? मैं यहाँ पर अपने आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के मंच पर 32वां मेरा एपिसोड है। मैं जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि रावण के अच्छे विचारों पर, अच्छे गुणों पर प्रकाश अवश्य डालें, लेकिन राम जी का चरित्र महान है, उनके आदर्शों पर समाज को चलना चाहिए, यही मेरी समाज से विनती है। दर्शकों को हम एक चीज़ और भी बता दें कि जो आदर्श रामलीला की आज हम बात कर रहे हैं, आपको दर्शकों को हम रूबरू करा रहे हैं कलाकारों से, इस रामलीला में दो नाटक ऐसे हैं कि शायद आसपास के रामलीलाओं के रंगमंच पर नहीं होते हैं, कि एक नाटक चंद्र सेना का है और दूसरा नाटक भगवान श्री राम का बैकुंठ वास लक्ष्मण परित्याग की लीला का मंचन भी यहाँ लगातार दिखाया जा रहा है। तो आज खासतौर मौका है कि रामनगर में इस रंगमंच पर आज अहिरावण की जो नाटक चंद्र सेना उसकी लीला का मंचन किया जाएगा। अहिरावण वध के बाद रावण वध और सीता जी की अग्नि परीक्षा तक की लीला होगी और कल जो है राज्याभिषेक की यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण के किरदार कृष्ण कुमार शर्मा, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आप लगातार, क्योंकि आप भी पुराने कलाकार हो चुके हैं और कई लक्ष्मण के अलावा कई अभिनय आपने कहे हैं, तो हम दर्शकों को चाहेंगे कि आप जानकारी दें। मेरे को लक्ष्मण की भूमिका करते करते करीब करीब मैंने 35 बार रोल किया होगा पहले और इस बार दोबारा हमें मौका मिला लक्ष्मण की। और यहाँ पर जो ये हमारी रामलीला है ये कलाकारों के लिए निःशुल्क पाठशाला है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उसके बाद हमारे ही मंच के कलाकार हर मंच पर जाते हैं, क्योंकि हमारी कला इतनी आगे निकल चुकी है कि और किसी दूसरे मंच का कलाकार हमारे वहाँ आकर के रोल नहीं कर पाता। तो देखिए आपने सुना अभी हमारे साथ मौजूदा ही रावण के पात्र हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो है किस प्रकार के इस बार यहाँ अभिनय रहे हैं, कि जो है लगातार रोल कर रहे हैं, जो है आपने अभी कुंभकर्ण का भी रोल यहाँ किया है, स्वागत है आपका, कि किस प्रकार का अभिनय? धन्यवाद आपका न्यूज़ चैनल में
हमें प्रोत्साहित करने का, और मैं भी कम से कम 15 सालों से इस रंगमंच पर कार्य कर रहा हूँ। जो मुझे डायरेक्टर महोदय हमारे राजीव अग्रवाल जी आदेश देते हैं, हम वही रोल करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ जो है हनुमान जी की भूमिका यहाँ कर रहे हैं, लगातार कई वर्षों से आपका अभिनय यहाँ रहा है, दर्शकों के द्वारा प्रशंसा भी की जा रही है। किशोर चंद्रा जी आपका नाम है, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं कि किस प्रकार का अनुभव है और क्या आप प्रेरणा देना चाहते हैं। जय श्री राम। मैं यहाँ पर कम से कम नहीं भी तो बचपन से रोल करता हुआ आ रहा हूँ, और पहले हमारे गुरु जी जो है हनुमान जी की भूमिका करते थे, उन्हीं के द्वारा जो है ना मुझे जो है सिखाया गया, और जो है ना मैं जब तक हनुमान जी की भूमिका करता हूँ तो बहुत सात्विक उससे करता हूँ, और अपना जो है बिस्तर भी नीचे लगाता हूँ, और बहुत मतलब मर्यादा के उसमें रह करके अपना रोल करता हूँ। निःशुल्क पाठशाला है, हमें सब बच्चों को सिखाया जाता है, और हमारी रामलीला का अभिनय जो जितने भी लोग करते हैं सब बहुत ही अच्छा किरदार रहता है सभी का, और यहाँ पर जितने भी हमारे गुरु हैं सब हैं, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो वही दर्शकों में भी लगातार उत्साह है, और इस रामलीला के कलाकार अगर बात करें तो कई उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं, तो कई धारावाहिक और फिल्मों में भी यहाँ के कलाकार जो है रोल कर चुके हैं और उत्तराखंड का नाम रोशन कर चुके हैं। अभी रामलीला का मंचन अभी लगातार जारी है और आपको दिखाएंगे हम लगातार, और भी यहाँ की खबरों से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। फिलहाल रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटे अरोड़ा, सुरागीलाल न्यूज। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।